हाल में हुए बंजार हादसे को लेकर चालकों में खौफ पैदा हो गया है। हिमाचल परिवहन निगम के चालक परिचालक अब एक्स्ट्रा सवारियों को बिठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही देखने को मिला बोटा बस अड्डे में। हिमाचल परिवहन की बस रूट बैजनाथ देहरादून कक्कड़ फरीदाबाद बैजनाथ दिल्ली की बसों ने सवारियों को बस में बिठाने से साफ मना कर दिया और कहा कि बस की सभी सीटें फुल हैं और बस में हम कोई एक्स्ट्रा सवारी नहीं बिठाएंगे। हाल ही में कुल्लू में हुए हादसे को लेकर चालकों में भी खौफ पैदा हो गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक अब एक्स्ट्रा सवारियों को बिठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही देखने को मिला भोटा बस अड्डे में, जहां हिमाचल परिवहन की बस रूट की बसें बैजनाथ देहरादून कक्कड़ फरीदाबाद बैजनाथ दिल्ली की बसों ने सवारियों को बस में बिठाने से साफ मना कर दिया और कहा कि बस की सभी सीटें फुल हैं और बस में हम कोई एक्स्ट्रा सवारी नहीं बिठाएंगे। रात के समय यात्रियों को चंडीगढ़ ऊना व दिल्ली के लिए जाना था, पर चालकों और परिचालकों ने सवारियों को बिठाने से मना कर दिया। रात के समय माहौल तनावपूर्ण हो गया था। वहीं जब चालक ने छात्रा को बस में बैठने से मना किया तो छात्रा जोर जोर से रोने लग पड़ी। छात्रा पेपर देकर आ रही थी और उसे बंगाना के लिए जाना था। वहीं छात्रा बस के इंतजार में 2 घंटे से बस अड्डे में बैठी हुई थी। इस घटना को देखकर सभी दुकानदार इकट्ठा हो गए और बड़ी मुश्किल से चालक परिचालक के हाथ पांव जोड़कर छात्रा को बस में बिठाया। भोटा बस अड्डे में यात्रियों में महिलाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों का ये कहना है कि हरियाणा रोडवेज की बस अब भोटा बस अड्डे में नहीं पहुंच रही है और सवारियों को बाईपास पर ही उतार रही है। वहीं प्रशासन ने भी कुल्लू के बंजार हादसे को देखते हुए चालक परिचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि अगर बस में ओवरलोडिंग हुई तो उनका चालान काटा जाएगा। वहीं यात्रियों को जब बस में सीट नहीं मिली है तो वे वापस घरों को लौट गए हैं।